इस बच्चे को कहा महारानी चंद्रप्रभा हमारी तरफ देखोगे हम साथ में किसको लेकर के आए हैं और तुम देख करके हैरान हो गई होगी तो ये तो जेल में था यहां कैसे आ गया। इसी तरीके कंस समझता था कि कृष्ण उसकी जेल में है, कंस समझता था कि कृष्ण उसकी जेल में है, लेकिन कृष्ण तो पहले से ही मथुरा वृंदावन पहुंच चुके हैं। और महारानी जी सुनो हमारी बात को, महारानी जी अरे ध्यान देकर सुनो, जानती हो कि तेरे बड़े वाले बेटे को ठाकुर जालिम सिंह ने मारा है। अब तो तेरे नन्हे मुन्ने कन्हैया की बारी है, झील ले मेरे यार, मार दे गोली, मार दे सारे की। तेरा बेटा जिंदा नहीं, मर गया है, मर गया है तेरा बेटा। और अब ठाकुर जालिम सिंह का ऐलान सुनो कि इस अपने बेटे की लाश को उठाओ और इस राज से बाहर निकल जाओ, इस उदयनगर राज से बाहर निकल जाओ, आज के बाद इस राज्य में कभी दिखाई नहीं देना, और जाते जाते ये सर का ताज कीमती गहने हमारे महल में रख के जाना। अरे यार जालिम सिंह, उदय सैन का तो चिराग बुझ गया, क्या करना है? अरे जरूरी काम तो अभी पड़ा हुआ है। जरूरी काम? हाँ। वो कौन सा काम है? वो जो सेना पर प्रताप सिंह है जिसने तेरे पैर में गोली मारा था, इतना बड़ा जख्म बनाया था, आज भी वो जख्म ठीक नहीं हुआ है, अभी तो सेना पद से बदला चुकाना है। मैं उस हरामजादे को कैसे भूल सकता हूँ जब तक उससे और उसके सारे परिवार को नगर की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारूंगा, चैन की एक सांस नहीं लूंगा, कहां मिलेगा वो हरामजादा? चलो वो इस वक्त नहीं मिलेगा, इस वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराज के बड़े वाले बेटे राजकुमार मदन सेन को मेला दिखाने के बहाने जंगल में गोलियों से हमने मारा था, और महाराज ने सेना पद के ड्यूटी लगा दिया है वो भी मरे हुए इंसान को ढूंढने के लिए। साला पागल फौज
मुझे मुर्दे को ढूंढने गया है। यार उसके परिवार में तो कोई होगा। अरे उसकी पत्नी है जिसका नाम है दुर्गावती, इतनी लंबी है, गोरी है, पतली कमर वाली है, और एक हफ्ते पहले उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। बच्चा है? फिर बच्चा। बहुत मजा आएगा जालिम सिंह, माँ बेटे के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो और बताओ कहाँ है, कहाँ है दुर्गावती? मैं बताऊंगा। इस उदयनगर राज में अब हमारे खिलाफ कोई सांस भी नहीं ले सकता, और ना ही नो FIR एंड नो अरेस्ट वारंट। फैसला ऑन दिस क्या बताऊं भगवान, मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दुख चुकी हूँ। अब मैं चलती अपने पति के आवास, सारी बात चल के बतलाती। गोलियां लगने के बाद कहां भाग रही है? अरे जालिम सिंह को समझा करो। क्या चीज़? अरे एक बच्चे की महतारी जो ठहरी, अपने बच्चे को बचाने के लिए ससुरी छुप रही है। छुपने दे मेरे यार, छुपने दे। बचपन में छुपी छुपा का खेल खेला था, आज मैं बेटे के साथ खेलूंगा। आओ साली को देखो, छोड़ो साली को, आओ। उदयनगर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कौन मदन सेन का कोई पता ना चला। बहुत परेशान हो गए। अब चलता हूं अपने आवास पे, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह होते ही कुंवर मदन सेन की खोज भी जाएंगे। मेरे तुम
तुम्हारी किसने बनाया और ये सब कैसे हो गया? कुछ तो जुबा तो खोले, गोली किसने मारी तुमको हे प्रिय बेटा? ये सम्राट का तो अपना बेटा है कहाँ, और क्या बना सम्राट पे आई प्रिय बदला? जब ये बेटा महाराज का है तो अपना बेटा कहाँ है? बोलो अपना बेटा कहाँ है? नहीं नाथ, आप घबराइए नहीं, यही हकीकत बचाने के लिए तो मैं तो आपके पास आई हूँ। सुनो नाथ, सुबह का वक्त था, मैंने सोचा चलो भोले शंकर के मंदिर चल के दर्शन करूं, साथ साथ अपने मुन्ने को भी दर्शन कराऊं। लेकिन जब मैं उस मंदिर के गेट के पास पहुंची, क्या मैं अपनी आंखों से देखती हूँ डाकू संग्राम सिंह महाराज का कत्ल कर दिया। मैंने महाराज का कत्ल देखा और मुझसे देखा नहीं गया, मैंने रात दरबार राजमाता के पास जा रही थी, लेकिन जब उस कमीने मंत्री जालिम सिंह के कमरे के बगल से निकली, क्या मैं अपने कानों से सुनती हूँ मंत्री जालिम सिंह और डाकू संग्राम सिंह दोनों आपस में मस्करा बना रहे थे। जो महारानी के छोटे बेटे विमल सेन है इस बच्चे का मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने सारी बातें सुन लिया और उसी समय रात दरबार राजमाता के पास पहुंची, सारी हकीकत राजमाता से बताया। राजमाता का दुख मुझसे देखा नहीं गया नाथ, मैंने अपना बेटा राजमाता की गोद में डाल दिया और उनका बेटा अपनी गोद में ले लिया। लेकिन जानते हो, मैंने इस विमल सेन को बचाने के लिए अपने बेटी का बलिदान करा दी। तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया, धन्य भारत की नारी। आज मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपने आप को भी मिटा दिया। मैं उस भगवान से, उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा, जब भी हमारी पत्नी का जन्म हो तो हमें हमारी पत्नी दुर्गावती ही मिले। नहीं नाथ, आप घबराइए नहीं, अगर इस जन्म में न सही तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी मेरा जन्म हो तो आप जैसा पति मुझको मिले नाथ। लेकिन मुझे गौर से देखो, हमें गौर से देखो नाथ। मैंने राजमाता के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का भी बलिदान करा दिया, साथ साथ मैंने अपने आप को भी मिटा ली। आज मैं संसार से जाती हूँ तुम्हें यही कहकर और समझा कर जा रही हूँ। इस विमल सेन के लिए आप मेरी तरीके से अपने आप को बलिदान कर देना, लेकिन अपने जीते जी इस लाल पे कभी आवाज नहीं आने देना, क्योंकि मैंने राजमाता को वचन दिया था। नाथ, आज मैं संसार से जाती हूँ तुम्हें यही कहकर जा रही हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी नाथ। जी सब बात करने का समय नहीं है, इस बेटे को लेकर आप इस खिड़की के रास्ते से भाग जाओ, भाग जा।
मुझे भी मार डालना चाहते हैं और कुंवर विमल सेन को भी। सामने गंगा नदी दिखाई देती है, अब इस बेटे लेकर मैं इसी गंगा नदी में कूद जाता हूं। सामने नदी की तरफ देख, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और लग रहा कि ये साला सेनापत अपने बेटे को लेकर के साला नदी में कूद गया है। जालम सिंह, ये साला प्रताप सिंह तो बहुत होशियार निकला। हाँ। हमने सुना है कि गंगा मैया तरण तारिणी है। हाँ। साला मरते मरते गंगा नदी में छलांग लगा दिया, अभी भी मर के तर जाएगा और इसका बच्चा भी। अब सुकून मिला मुझे मेरे यार, आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। अब एक काम करो कि आज से चोरी डकैती का धंधा बंद करो। क्या कह रहे हो जालिम? आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद करो। पागल हो गया है? चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं डालूंगा तो खाऊंगा क्या? वापस ईरान जाऊंगा? मैं पागल नहीं, पागल तू हो गया है। इसलिए कि अगर चोरी डकैती करेगा तो एक दिन पुलिस के हाथों मार दिया जाएगा, तो बताओ मुझसे हमारा जिगरी दोस्त जुदा हो जाएगा। ओ ये बात है, लेकिन मेरे यार फिर मैं करूंगा क्या? कहां जाऊंगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, वो भी हमारे महल के करीब में रहेगा, तो तेरे लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा, अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर दूंगा और रहने के लिए एक आवास बनवा दूंगा। और अगर भाग्य ने तकदीर ने तेरा साथ दिया, एक दिन तेरी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे और हिंदुस्तान के नाम से आधार कार्ड जारी हो जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा। मेरे यार, जब तू मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है तो कौन सा साला खतरे का काम करेगा? चलो आज के बाद हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके करीब रहेंगे। मेरे यार, ऐसा करेंगे, आज से जो भी काम होगा हम दोनों की सलाह से होगा। पहले स्नान करो और चल करके अच्छा भोजन करो। बाबू साहेब, सेवक मल्ला है कह राम राम मालिक, आप लोगन के सेवा करते हमार जिंदगी बीत रही है। ए बाबू साहेब, परेशान न हुओ, वही झवरा के बगल में टेकरी है, वही डोंगिया बांधी है, हुए आओ हुए हम मिले थे। पेराने मार फैले रहे छोटू। ओ
दुनिया में ताल के निर्दयी मनाई पड़े हैं कि लड़का बच्चा का मोह है ममता नहीं दानत। देख कितना नेक नेक लड़का है। लड़का लड़का बड़ा सुंदर है ना, हमका लगे सावन में भा है। लड़का बड़ा सुंदर है, हमका सावन में भा है। सावन के लड़का सुहावन हुआ है, हम हो सावन में पैदा भयन है। हम तो अपने नागी नाना के बम्बई में पैदा भयन है। सावन का लड़का सुहावन हुआ था और बड़ा छिनरो हुआ था। निक निक नकुना है, निक निक आँखी है, निक निक मुंह है, निक निक कान है, निक निक हाथ है, निक निक पाँव है, निक निक दुनिया का जर है। दुनिया जन नहीं जनतो का रुको तो चिलके है का यार दादा हो एक बच्चा के हाथ में खरोंचा का हक बना। जमने का तुम्हें खरोंचा बतावती हो, यह लड़का के दाहिने हाथ में शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान है। तो एक काम करी, यह बेटौना का नाम शंकर दे दे। या रही कौनो बात है, ताकि भोले बाबा का नाम देत रहा और लड़का के रक्षा रहे। एक काम कर बच्चा, यही का भूखा है ले जाओ। हे अरे अब ध्यान आवा हो, ये क्या खुबड़ी बार कहे नहीं गया मैं कहे भगवान का माया है बेटवा। भगवान का माया ना है, हम लखनऊआ पाड़े आ हैं। अच्छा। हम गोबर सूंघ के बता दी भैंस के बियात के रहे। एक एक खुबड़ी बार जानो कहे नहीं जा मैं। ये जब लड़का पेट में रहा है, ये जब लड़का पेट में रहा है, हम कहा देखे अम्मा गुड़हुआ जलेबी खा ली से। बकरी का दूध पिया हो, अहे डिब्बा का दूध ना पिया, डिब्बा का ना हो ही पी लिया। कहना है अदालत, अदालत हुस्न की होगी मुकदमा तेरे इक्स का होगा। अदालत, अदालत हुस्न की होगी मुकदमा तेरे इक्स का होगा। गवाही तेरे दिल की होगी, प्यार मेरा मुजरिम होगा। उम्र कैद फैसला अदालत का, आज तो मुकदमा चले गया और गोविंदा की मोहब्बत का। सतो मेहरिया मेरी, मेरी सास रहेगी।